नाजमीन मुस्तनसर हुसैन तारण साहब, और मैंने शुक्र किया इस बात का जब हमें ये बताया गया कि आगाज तारण साहब खुद कर रहे हैं, क्योंकि यकीन जा रही है मैं शायद इतना नर्वस नॉर्मली कभी नहीं होता, मैं बहुत नर्वस था कि मैं क्या बोलूंगा तारण साहब को लेकर। सो इसके लिए भी इनका शुक्रिया, आप इस शुक्रिया को काइंडली वापस न कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हम तारफ करा देते हैं? बिल्कुल, और आज चूंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है एक्सप्रेसो की, तो हमने सोचा कि हमारी टीम जो पूरा साल मेहनत करती रही, वैसे तो हमारी कोशिश थी कि जो बैक एंड पे मेहनत करते हैं वो भी आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकते, आज का शो भी उन्हें ही कराना है। लेकिन जो ऑन स्क्रीन आप लोगों को देखते हैं, और जिस तरह से अभी तारर साहब ने कहा कि वकार अहमद मलिक हमारे शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, और जिनके बगैर हम कहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कंप्लीट नहीं होता, और तारर साहब को जिस तरह से वो उन्होंने बोला कि वो कहीं नहीं गए और वकार साहब उन्हें लेकर आए, तो हम ये खुशकिस्मती समझते हैं कि वकार अहमद मलिक हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा है और हमारे शो का हिस्सा है। वकार भाई बहुत बहुत मुबारक हो एक्सप्रेसो की फर्स्ट एनिवर्सरी पे, और थैंक यू वेरी मच तारर साहब को भी लाने के लिए और हमारे शो में भी आने के लिए। कैसे जज्बात क्या है एक साल मुकम्मल? बहुत आला, बहुत जबरदस्त, और स्पेशली जो है वो एक्सप्रेसो जो कंटेंट दिया पिछले एक साल में, किताब को वापस लेके आया है, साइंस को वापस लेके आया है, स्पेस साइंस पे हम बात कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पे बात कर रहे हैं, और मतलब हर तरह की जो एक वैरायटी होती है, हम खुद भी जिंदा जिंदा महसूस करते हैं थोड़ा थोड़ा। इस पे मजीद बात करेंगे, है ना, हमारे साथ हैं, है ना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या इंट्रोडक्शन करवाएं आपका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, आई थिंक बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है कि एक साल हमने इतने अच्छे तरीके से मेहनत करके गुजारा, और जो लोग ऑन कैमरा हैं उनको तो मुबारकबाद देना ही चाहूंगी, लेकिन जो ऑफ द कैमरा लोग हैं, जो हमारी हार्ड वर्किंग टीम है, आई थिंक ये उनके बगैर बिल्कुल पॉसिबल ना होता, तो आई थिंक दिस इज अ टीम एफर्ट, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल जबरदस्त। उसके साथ साथ जी हमें जितने अच्छे खाने लाहौर के पता लगे कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है और किसने क्या खाना है, ये हमें फरियाल बताती रही है। फरियाल थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत मुबारकबाद, आप भी एक्सप्रेसो का हमारे प्रॉपर हिस्सा हैं, तो आपको कैसा लग रहा है एक्सप्रेसो का एक साल मुकम्मल होने? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक साल जो है खाते और खिलाते गुजर गया मेरा। से नहीं लगता कि आप गाती रही। और दूसरी बात ये तार साहब कि हमने सेहत और वर्जिश, खाना और वर्जिश एक जगह बिठा दिया, तो साथ हमारे खुशी भी है। खुशी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, अमेजिंग टीम, सारे के सारे बहुत अच्छे थे, मेरे साथ बहुत अच्छे थे, सो आई लव देम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हमारी पहली सालगिरह है, आखिरी शो नहीं है। मतलब वो एक साल का एक्सपीरियंस सब अपना शेयर करें, तो मेरे ख्याल से हम सबके लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इतनी रोलर कोस्टर राइड रही, हमारे बहुत सारे ऐसे मामला थे जो हमें पता नहीं होता था, हमारी टीम हमारे एंड पे उसको डील करती रहती थी, और ये सारी चीजें जो है मिलके हम कहते हैं कि हमने जिस तरह से नाम बनाया है इस मीडिया इंडस्ट्री में बहुत कम टाइम के अंदर अपने मॉर्निंग शो को लेकर, कंटेंट वाइज हम कंटेंट पे बार बार फोकस करते हैं, और इमरान हमारी हमेशा से कंटेंट को लेकर टीम बहुत सेंसिटिव रही है, और हमने ये कह सकते हैं कि हमने सिर्फ कॉन्टेंट दिखाया और अच्छा कॉन्टेंट दिखाया है लोगों को, जिसकी वजह से आज हम पॉपुलर है। कोशिश की है जी, और एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो के मकसद के हवाले से अगर बात करें तो इसका सबसे पहले और बुनियादी मकसद यही था, यही है कि ये जो एक घुटनज़दा माहौल है जहां एंटरटेनमेंट के मौके इंतहाई कम रह गए हैं, खासतौर पे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लोग सिर्फ खबरों की बात करना चाहते हैं, और खबरें भी वो जो मनफी, वहाँ नाज़रीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि वो सियासत पर संजीदा तज्जी और तबसरों के साथ साथ जो एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ मौजूआत हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो क्रिएटिविटी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो मेन स्ट्रीम पर नहीं आते हैं, उनको मेन स्ट्रीम पर लेके आया जाए। यकीनी तौर पर आपके तआवुन से हमें ऐसा लगता है कि अब तक हमने ये सफ़र ठीक किया है, अच्छा किया है, और आपके तआवुन से ही एक्सप्रेसो ने आज एक साल भी मुकम्मल किया है, कामयाबियाँ समेटी हैं, और यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मेन स्ट्रीम का मीडिया शो, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस सेट के ऊपर बैठा हूँ, अब रेगुलर व्यूवर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मॉर्निंग शोज जितने इस वक्त होते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी गलतियों से सीखूं और उनकी बेहतरियों को अडॉप्ट किया जाए, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका होता है कि एहसास होता है कि ये वहां हुआ तो यहां क्यों नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने किया उस पर काफ़ी हद तक मैं अपने आप को मुतमईन समझता हूं, यकीनी तौर पर पूरी टीम भी होगी। हमने इस प्रोग्राम के मवाद को कोशिश की कि हल्का रखें, मुख्तसर रखें, ताकि नाज़रीन इसे चलते फिरते स्कूल दफातर जाते हुए भी देख सकें, और एक साल के सफ़र के दौरान हम अगर इस इंफरादियत की बात करते हैं जो एक्सप्रेसो ने रखी है,
हमने यकीनी तौर पे अवॉइड किया कि ये जो माइंड स्टॉर्मिंग है, ये जो सनसनी है, इसके बजाय जो ताज़ा तरीन कौमी बैन अवी खबरें हैं, इस पर मुल्क के नामवर तजियाकारों को सामने लाया जाए। और एक बड़ा तुरा इम्तियाज एक्सप्रेसो का रहा है कि हमने बैन अवी सतह पर जो पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनको अमूमी तौर पर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं लाया जाता, हमने कोशिश की कि हम उनका तारुफ भी आपसे कराएं। बिल्कुल, उसके साथ साथ हम पाकिस्तान के उन तारीखी मकामात की बात करें जो आप लोग जानते थे लेकिन उसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता थी, उससे हमने आपको रोशनास करवाया। कभी किसी ने जो नहीं देखा, पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश की और उसमें हमारे वकार अहमद मलिक साहब का एक सेगमेंट भी आप देखते रहे। और हमने जो खवातीन को इंडिपेंडेंट बाख्तियार बनाने में हमने उनके लिए बहुत कोशिश की और ना सिर्फ खवातीन के मसाइल को उजागर किया बल्कि हम बात करें मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे मसाइल हैं जिसे ऑन स्क्रीन पब्लिक पर बात, जो पब्लिक के सामने बात करने से गुरेज किया जाता है, हमने उस पर भी डिस्कशन की। हमने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम जो रोशन करने वाले लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई। मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक साल के जर्नी में हमने आपके साथ शेयर किया, कोशिश की और इस कोशिश में पूरी टीम का हिस्सा है। जितने लोग ऑन कैमरा हैं इतने ही लोग ऑफ कैमरा भी हैं और उनकी मोटिवेशन, उनकी एफर्ट के बगैर ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं था, हम बता नहीं सकते। और जैसा कि तारर साहब ने कहा, इनसे बेहतर कौन समझता है कि एक एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की, वो तो आम है ही तारर साहब, लेकिन जो बैक एंड के लोग होते हैं जिनके आइडियाज इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जो इस एग्जीक्यूशन के लिए हमें ईंधन फराहम करते हैं, उनका किरदार बहुत ही अहम होता है। इस पर मैं चाहता हूँ अगर आप अपना इजहार ख्याल करें। आपने इतनी लंबी तकरीर की है कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने इजहार ख्याल किया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बुनियादी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एंकर्स होते हैं और उनको ताकत पहुंचाने वाले पीछे होते हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुझे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती थी कभी भी, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ जी। मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए थे ट्रांसमिशन करते डेली, तो एक नए साहब आए तो उन्होंने कहा कि तार साहब अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप बैठते होंगे और आप ट्रांसमिशन शुरू कर देते होंगे, आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं एक अर्ज करता हूँ कि ट्रांसमिशन के पहले दिन जितनी मैंने तैयारी की थी, आज उसके 1000वें दिन भी उतनी ही तैयारी के साथ। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं है कि स्क्रिप्ट के ऊपर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तमाम प्रोग्राम्स के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और मशक्कत करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझसे पूछी जाती, क्योंकि उन दिनों एक गैलप शो हुआ तो उसमें 2 साल मुसलसल मैंने टॉप किया एज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली एक ही चैनल था, एक ही मैं था, तो मैंने होना ही था। और तीसरे नंबर पे बहुत सारे, मतलब हमारे खान साहब तीसरे नंबर पे थे, अब वो माशाल्लाह अव्वल नंबर पे हैं, मैं खुशी है इस बात की। तो वो किस तरह है, वो इस तरह है कि ये जो कैमरा है आपके सामने, ये सिर्फ एक कैमरा नहीं है, बेजान कैमरा नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है। और इसके पीछे 20 करोड़ आवाम जो है वो हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन 20 करोड़ को, एंड आई कैन सी कि दे आर सिटिंग देयर। That was my concept. When I was looking at the camera, I did not look at the lens. I don't see it. I saw millions and millions of Pakistani, including children or grown up and old people. They are sitting there and watching me. I had to be talked to them. I had to be part of their family. तब आप उनके दिलों में जगह बनाते हैं और अपने credibility आपकी होनी चाहिए। जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें वजन होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें आपको करनी पड़ती हैं जी। लेकिन ये है कि लोग तभी आप पे ट्रस्ट करते हैं व्हेन दे नो कि यू आर नॉट गोइंग टू हुडविंक। ट्रू दैट, सो ट्रू। हमने ब्रेक लेनी है, इस पर ब्रेक लेते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकार अहमद मलिक हैं, हिना हैं, फरियाल हैं और खुशी, हमारी पूरी टीम है इनफैक्ट। और थोड़ा मजीद इस एक साल के सफर पर बात करेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि ये जानने की कोशिश करें कि सबके लिए इसके अंदर चैलेंजिंग कौन सा फैक्टर रहा और दीगर बातें भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।